नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी दोस्तों। जी हां दोस्तों, आजकल अधिक मानसिक तनाव की वजह से सेक्स की कमजोरी पाई जाती है दोस्तों। आज जितनी हम भाग दौड़ कर रहे हैं दोस्तों, और मेट्रो सिटीज़ में खास करके जिस तरह से पोल्यूशन है और हमारी टेंशन होती है हर रोज़ की, इसकी वजह से हमारी सेक्स में अनिच्छा बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिससे कि हमारी सेक्स लाइफ नीरस हो जाती है। उसको बचाने के लिए हम आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं आज दोस्तों जो तीन रोगों का अकेला एक रामबाण इलाज है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपनी संभोग की शक्ति को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आप शक्तिशाली बन सकते हैं, इस दवाई के यानी कि इस दवाई नहीं कहें दोस्तों, गलत होगा, इस नुस्खे को अपना करके, इस औषधि को अपना करके आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, ये हम देखते हैं। हरे आंवले का रस व समान मात्रा में शहद को मिलाकर सुबह खाली पेट लेने से वीर्य की शुद्धि होगी। यह प्रयोग पहले 15 दिन करना है। प्याज का रस व समान मात्रा में शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है। ये पहले 15 दिन के बाद अगले 15 दिन करना है। पहले प्रयोग के बाद 2 लीटर शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। उसमें 50 ग्राम किशमिश को रात्रि में भिगो कर रखना है। सुबह मॉर्निंग में आधा किलो प्याज लेना है और उसको काट कर उस दूध में डालना है। उसके बाद उस दूध को पकाना है। उसमें 50 ग्राम बादाम की गिरी मिला लेनी है। उसको तब तक पकाना है दोस्तों जब तक वो 1/3 न रह जाए। उसके बाद उसको निकाल कर एक कांच के बर्तन में रख लेना है। उसको हर रोज सोते समय 2 चम्मच गाय के दूध के साथ लेना है, जिससे आपकी संभोग शक्ति बढ़ेगी। अगर आपको हमारे द्वारे बताए हुए नुस्खे अच्छे लगते हैं दोस्तों, जो कि आपके फायदे के लिए होते हैं, हम इन टॉपिक्स पे क्यों बात करना, पहले हम इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते थे दोस्तों, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा समस्या के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं कि कैसे हम अपने संभोग की शक्ति को बढ़ाएं या फिर सेक्स करने का सही तरीका क्या हो। इसकी वजह से हमने आपके ही अनुरोध पर ये स्टार्ट किया है नई कड़ी, जिसमें कि आपको सेक्स से संबंधित जो भी समस्या है आप पूछ सकते हैं, आगे हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपकी सेक्स की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पोजीशन से लेकर के या सेक्स में अनिच्छा या फिर कैसे न्यू रिलेशन को कैसे डेवलप करें, बेसिकली ये रिलेशन पे डेवलप होगा सारा, कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे अपने इस तनाव भरे जीवन में भी सुकूनपूर्ण वक्त को गुजार सकें अपने मित्र के साथ या अपनी धर्मपत्नी के साथ। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।